गजब खुदा का, आलू बैगन में भी 150 रुपए लग गए। गोश्त बना लो या सब्जी, कोई फर्क ही नहीं है। मम्मी आज फिर बैंगन उठा के ले आई हो। बैंगन का हफ्ता मना रही हो क्या? अभी परसों तो बैंगन के पराठे खाए थे, कल बैंगन का भरता और आज फिर बैंगन आलू। गोश्त ही ले आओ यार। तेरे सामने रोना रोकर गई थी पैसों का, निकाल दो 400 रुपए, अभी लाती हूँ। एक दुकान के किराए का आसरा था, अब तो वो भी नहीं रहा। अम्मी मैं तो कहता हूँ उनकी नानी के घर चलते हैं और कहते हैं कि दुकान के किराए में आधा हिस्सा हमारा भी है। मैं और तू कहेंगे और वो मान लेंगे, कोई सीधा नहीं है आजकल। अरे मी जाने में क्या हर्ज है, कह देना कि अब्बा के दुकान में कुछ पैसे लगे थे। और वैसे भी इतना टाइम कहाँ उन लोगों के पास की तफ्तीश करते फिरे। कहता तो तू ठीक है, एक दफा बात तो करनी चाहिए, क्या पता हाथ से गई रकम दोबारा हाथ लग जाए। हाँ बस जल्दी से खाना बना लो फिर चलते हैं। अरे खाना बनाने की अब क्या जरूरत है, वहीं चलकर खाएंगे, आती हूँ अभी। शुक्र है शांजे से मुलाकात का बहाना तो बना। चाय। तो आज न्यूज़पेपर में क्या खबर आई है? बेटा वही रोज जैसी बुरी खबरें, और क्या है? अच्छा अंकल मैं चलता हूँ अब। बेटा कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए थे तुम। अंकल अम्मी ने कुछ चीजें भिजवाई थी, बस वही देने आया था। बैठो अभी खाना खा के जाओ। अरे नहीं अंकल मुझे कुछ काम है। और सलाम अलैकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। आ गई वापस जी। किरत कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे? फर्स्ट डे बहुत अच्छा रहा, सारी टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। दैट्स कूल। और आप कब से एमबीए स्टार्ट कर रही हैं? नहीं मैं एमबीए नहीं कर रही। क्यों बेटा? मामू जान एमबीए की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, मैं एमए कर लूंगी प्राइवेट। बेटा तुम सिर्फ कंफ्यूज हो रही हो, तुमने इतने अच्छे नंबरों से उसका टेस्ट भी पास किया है। पर खैर जो तुम अपने लिए बेहतर समझो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अम्मा जी आप, तुमने शांजे से कुछ कहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। नहीं अम्मा जी मैंने तो शांजे को कुछ भी नहीं कहा, मैं क्यों कुछ कहूंगी? फिर वो अकेली बैठी क्यों रो रही है? मैंने उससे पूछा तो कह रही है कि मुझे पापा की याद आ रही है। वो तो मुझे सुल्तान ने बताया कि वो अब कह रही है कि वो प्राइवेट पढ़ना चाह रही है। यकीनन तुमने उससे कुछ कहा है, मैंने खुद तुम्हें लाउंज में शांजे से बात करते सुना है। अम्मा जी मैंने लाउंज में शांजे से बात की थी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज थोड़ी है कि मैं उनसे कोई जोर जबरदस्ती करूंगी, उन्हें पढ़ने से मना करूंगी। तो फिर उसका अचानक इरादा क्यों बदल गया? अभी तक तो वो। अम्मा जी ये बात आप उसी से पूछिए, उससे क्यों पूछ रही है? इस तरह तो ये लड़की दिलों में नफरतें पैदा कर देगी। शांजे ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हें शांजे से बात करते सुना इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। इसमें इतना गुस्सा करने की कौन सी बात है? गुस्सा नहीं कर रही हूं, लेकिन दिल जरूर दुख है। मैं इन लड़कियों के लिए ऐसा भला क्यों सोचूंगी? मेरा ये मतलब नहीं था बेटा, बस ऐसी उसको रोते देखा तो मुझे ख्याल आया, तो मैंने इसलिए तुमसे पूछ लिया। Thank you.
वाह भाई वाह, क्या घर बना लिया है। पहले मैं आई थी ना तो ये लॉन वॉन कुछ भी नहीं बना हुआ था। अरे अम्मी, तुम किस जमाने की बात कर रही हो? तुम्हें आए हुए भी कई साल हो गए होंगे और इतने सालों में इतनी तरक्की तो होनी है। फिर अब हर कोई हमारी तरह तो है नहीं, जो जहाँ थे वही है अभी तक। तेरे अब्बा की भी ना ये सुल्तान साहब की तरह नौकरी होती ना तो हमारे घर के बाहर भी गाड़ियों की लाइन लगी होती। अरे अम्मी, ख्याली पुलाव बनाने से पेट नहीं भरता, अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी जाओगी? चल चल आ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक तो हो ना? जी। आप बेटा यही खड़ा रखोगी क्या? पता है बस वाले ने इतनी दूर उतार दिया, हम तो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए। मेरा तो जोड़ जोड़ दुख रहा है, ड्राइंग रूम में तो बिठा दो। जी आइए। बेटा बाहर इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है, ऐसे तो चलवा दो। जी मैं चलवाती हूँ, आप बैठिए ना, मैं नानी जान को बुलाती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? वो कुछ भी करें तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं टेंशन नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, फिर वो काम दिल से होता है। उससे ज्यादा तुम इंटरेस्ट ले रहे हो, तुम्हें उनके मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे देखो आशा, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक बताऊं, जितनी शानजे मासूम नजर आती है ना उतनी है नहीं, वो एक नंबर की घुन्नी है। अच्छा, ऐसे और क्या क्या जानती हो तुम शानजे के बारे में, बताओ मुझे। देखो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फजिया नानी जान कहाँ है? वजू कर रही। अच्छा, क्यों क्या हुआ? वो पुप्पू आई हैं। पुप्पू आई? ओह, तो इसका मतलब कि तुम दोनों का हमारे अलावा भी कुछ रिश्तेदार है। गुड। पुप्पू, तो ये वो ही वली पुप्पू हैं जिन्होंने तुम दोनों बहनों को घर से निकाल दिया था, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओ प्लीज, ज्यादा झूठ बोलने की मुझसे कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। अम्मी ने मुझे बता दिया था कि आयशा पुप्पो की सोयम में साफ कह दिया था पुप्पो ने तुम्हारी कि हम इन दो जवान लड़कियों की चौकीदारी नहीं कर सकते। नानी जान वो पुप्पो आई हैं। जमीला जी। अच्छा चलो, तुम उनको चाय शरबत पिलाओ, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। जी अच्छा। अरे इन दोनों बच्चियों को तो मैं अपने सीने से लगाकर रखना चाहती थी, मेरे एक लोते भाई की निशानियां हैं। लेकिन अम्मा जी की जिद और मोहब्बत के आगे मुझे अपने खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ी। जी आप जैसे लोगों से ऐसी ही खुशियां मिल सकती हैं। मम्मी बहुत परेशान रहती है, कहती है कि घर की रौनकें खत्म हो गई। और मामानी, अब तो आप सुकून में है ना? इन फालतू लोगों को रिश्तेदारियां जोड़ने में बड़ी महारत है। फरहान बिल्कुल ठीक कह रहा है। गर्मी में शरबत, कितना ख्याल है आपको हमारा।
लेकिन ये लड़कियां तो बहुत ही सीधी हैं। खाने के वक्त शरबत बना कर ले आई, अब आपसे खाने का भी क्या कहना पड़ेगा? हम तो खाना जल्दी खा लेते हैं। शान से जा किचन में जाकर देखो, अगर खाना बचा हुआ है तो इनके लिए लगा दो। किरत, ये क्या है? तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? अभी तो आई हूँ। आप कहाँ थी? नीचे थी, फुप्पू आई हैं। जल्दी उठो, चेंज करो और उनको सलाम करो। फुप्पू आई हैं? वो क्यों आई हैं यहाँ पर? हमसे मिलने आई हैं, और क्यों आएंगी? रहने दे, हमसे मिलने आई हैं। वहाँ तो हमसे बड़ा बेजार रहती थी, बात बात पे गुस्सा दिखाती थी, और आज हमसे मिलने चली आई। किसी की मोहब्बत पर शक नहीं करते, हम इतना अरसा उनके साथ रहे हैं, लगाव हो गया होगा ना उनको, तभी तो हमारी फिक्र में हमसे मिलने आ गई। आपी, पप्पा मोहब्बत भी फायदा देखकर जताती हैं। उन्हें अगर हमसे थोड़ी भी मोहब्बत होती ना तो हमें कभी यहाँ आने देती। आपको याद नहीं है क्या अम्मी के इंतकाल के बाद उन्होंने हमें कितना तंग किया है? वो तो अच्छा ही हुआ कि नानी जान हमें अपने साथ ले आई। अच्छा अब पिछली बातों को भूल जाओ, हर इंसान में अच्छाई और बुराइयां होती हैं। अब जल्दी करो, यूनिफॉर्म चेंज करो और नीचे आ जाओ, मैं जा रही हूँ, आ जाना। भैया भाभी तो मुझ पर आंख बंद करके एतबार करते थे, लेकिन अम्मा जी लगता है आपको मुझ पर एतबार ही नहीं है। नहीं जमीला, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना आपने किराया क्यों मंगवा लिया दुकानों का? भैया ने तो सारी जिम्मेदारी मेरे फरहान पर डाली हुई थी, यही किराया लेकर आता था। भाई वो दरअसल सुल्तान के ऑफिस के रास्ते में ही दुकान पड़ती है, तो बेचारा फरहान क्यों तकलीफ उठाए, सुल्तान ले आया करेगा। तकलीफ की क्या बात है, ये बच्चियां हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हमारा भी तो कुछ फर्ज है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भैया और भाभी की रूह को कितना दुख होगा, कितने शर्मिंदा होंगे हम उनके सामने। करत और शान से अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम उनकी फिक्र छोड़ दो। अच्छा भाई अब मेरी तस्बीहात का वक्त हो रहा है। अम्मा जी के आगे तो किसी की एक नहीं चलती। दुकान का कौन सा किराया हमारे हाथ में आया, जैसे ही किराया आया दोनों लड़कियों ने अपने हाथ में रख लिया। ये लड़कियां तो वहां भी यही करती थी, मेरी और आपकी सोच से दो हाथ आगे हैं ये, अपनी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने देती। और मेरी मासूम सी बचिया की हर चीज इन्होंने आते ही हत्या ली है। अम्मी प्लीज कॉफी बनवा के मेरे रूम में भिजवा दें। ठीक है बेटा। ये है आपकी बेटी वजिया, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी है, अल्लाह नजरे बस से बचाए। आमीन। अरे मेरे फरहान के साथ इसकी जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी। आप किचन में? हाँ वो अपने लिए कॉफी बना रहा था। कॉफी? और आप? मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, लाए मैं आपको कॉफी बना के पिलाती हूँ, ऐसी कॉफी आपने कभी भी नहीं पी होगी। अरे लाए दे। वैसे तुमको कैसे पता कि तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाती हो? दिल। क्या मतलब?
मतलब ये कि आपके दिल को पता होता है कि आप किस काम में परफेक्ट हैं। अच्छा, तुम्हारे दिल ने तुम्हारी बनाई हुई कॉफी कभी पी है? मैं तो ये समझता था भाई कि ये तो टेस्ट बर्ड्स का मामला होता है। भाई, दिल का रास्ता भी तो पेट से होके जाता है ना, अम्मी कहती थी। अच्छा, कुछ ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है ये, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या इसका? हाँ है, मतलब जो दिल को अच्छा लगने लग जाए, जैसे आपके घर में नानी जाए। शुगर? हाँ, आधी चम्मच। आधा चम्मच? एटलीस्ट एक चम्मच तो ले, जिंदगी में कुछ मीठा भी होना चाहिए, अच्छा लगेगा। ये ले। थैंक यू। पी के बताएं कि कैसी बनी और फिर मेरी ढेर सारी तारीफें करें। थैंक यू। ये किरत यहां पर क्या कर रही थी? मेरे लिए कॉफी बना रही थी। आइंदा अगर कोई भी काम तो मुझसे कहना, किरत से नहीं, समझे? कर रही हो तुम मेरी वार्डरोब में? तुम कर क्या रही हो? हाँ, पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारी हिम्मत में कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? कर क्या रही हो तुम? उस लड़की के साथ चार कपड़ों में निपटा ही लूंगी। सुनो जी। बेटा तुम काम क्या करते हो? मैं प्लंबर हूँ, मोटरें बनाता हूँ, पानी वाली मोटर, वॉशिंग मशीन, कोई भी काम हो सब काम कर लेता हूँ। 2-3 हजार रुपया दिन का कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर का कोई भी काम हो ना, मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, जरूर बताऊंगी। बेटा तुम यहां पर अकेले खड़े हो, तुम्हारी अम्मी कहां है? अभी यहीं गई थी, शायद बाहर गई हो। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम।
फरहान शानजे का कजन लगते काफी क्लोज हैं सर। हाँ जी बचपन से ही साथ रहे हैं, क्लोजनेस तो होगी ना। हाँ शानजे फिर हमारे घर कब रहने आ रही हो तुम? किरत की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जब कोई ऑफ मिलेगा तो नानी के साथ आ जाएंगे। ओहो और कितना इंतजार करना पड़ेगा, तुम कहो तो मैं आ जाऊं किसी दिन तुम्हें लेने। आप लोग बातें करें, लगता है काफी अरसे बाद मिले, मैं अम्मा जी से मिलकर आता हूं। तो फिर शान से बताओ कब आ रही हो? मैंने आपसे कहा ना जब ऑफ मिलेगा तो आ जाएंगे। क्या मुसीबत है, हर चीज के लिए बैग खोलना पड़ता है। क्या हुआ बेटा? देखे ना नानी जान कितना मसला होता है, हर चीज के लिए बार बार बैग खोलना पड़ता है। तो बेटा अपना सामान अलमारी में रख लो, सामान निकालने में भी आसानी हो जाएगी। क्या सोच रही हो? नानी जान वजीहा वो कभी भी नहीं रखने देगी और उसे पता लगेगा तो वो लड़ेगी। बेटा इतनी बड़ी अलमारी है, तुम तीनों बच्चियों का सामान उसमें आराम से आ जाएगा। चलो मेरे साथ आओ, मैं जगह बना के देती हूँ। आओ। से काफी दोस्ती लगती है आपकी। वो हर किसी से इसी तरह से फ्री होके बात करते हैं। और आप सिर्फ उनसे है ना? मेरा मतलब है कि काफी खामोश रहती हैं आप, कम कम बोलती हैं। आप मुझे बता रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? सांस दिला रहा हूं। आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ बातें जुबान से नहीं कही जाती। गंदी अलमारी है। ये क्या कर रही हो तुम मेरी वार्डरोब में? तुम कर क्या रही हो? हाँ पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारी हिम्मत में कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? वो वजीहा मुझे नानी जान ने कहा था कि तुम्हारे पुराने कपड़े स्टोर में रखवा के अपना सामान इसमें रख लूं। What? अच्छा लेकिन अम्मा जी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। देखो मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, तुम चाहो तो नानी जान से भी पूछ सकती हो। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें,
यकीनन तुमने अम्मा जी से मेरी शिकायत की होगी। तुम दोनों बहनों के पास इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। और चलो अगर अम्मा जी ने तुम्हें बोल भी दिया था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बगैर इजाजत मेरी कपट में घुसी हुई हो। भजिया मुझे नानी जान ने कहा था, मैं इसीलिए तुम्हारा सामान स्टोर में रखवा रही थी। देखो तुम गुस्सा मत करो, ये तुम्हारा सामान है, इसे वापस रख लो, मैं अपना सामान कहीं और रख लूंगी। मैं नहीं, उठाओ मेरी चीजें और वापस कबट में रखो, समझी? क्या हो गया? जब से आई हो सोचो में घूमो। जो मैं सोच रही हूँ ना, अगर ऐसा हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ऐसा क्या सोच लिया? भजिया को देखा था तुमने? भजिया? हाँ, सुल्तान की बेटी भजिया। हाँ तो मैं सोच रही हूँ कि सुबैदा से मेरे रिश्ते की बात करती हूँ। अम्मी, तुम्हारा शजरा कहीं शेख चिल्ली से तो नहीं मिलता? इतने ऊंचे ख्वाब। इसीलिए तो इकलौती है ना, जहेज लेकर आएगी कि हमारा पूरा घर भर जाएगा। ये बात की बात है, तुम्हारे सोचने और मेरे राजी होने से हमारी शादी नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? वो लोग नहीं मानेंगे, उनका घर और पैसा देखा है ना। क्यों नहीं मानेंगे? किस चीज की कमी है मेरे बेटे में? ना खूबसूरत तो है, अच्छा कमाता है, शहजादा लगता है, शहजादा। बस करो अम्मी, सिर्फ तुम्हें ही शहजादा लगता हूँ। औकात तो फकीरों वाली है, हम दाल सब्जी को रोते हैं और वो दिन रात एसी में सोते हैं। जितना हमारे घर का खर्चा है ना, ना तो भजिया एक मिनट में पॉलर में उड़ा देती होगी। किरत, अपना काम खत्म करके अपना सारा सामान बैग में रख देना, हमें वजिया को नाराज नहीं करना चाहिए। आप ही, हमने कौन सा उसके साथ कोई ज्यादती की है? वो तो ठीक है गुड़िया, लेकिन कुछ भी हो, ये उसी का घर है और रूम भी उसी का ही है। एक तो हम उसकी मर्जी के बगैर उसके रूम में रह रहे हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि हम उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। देखो गुड़िया, जब अपना घर नहीं होता ना तो किसी को शिकायत का मौका नहीं देते। आप इतना क्यों सोचती हैं? हमने कौन सा उसके पूरे वार्डरोब पे कब्जा कर लिया है, एक दराज तो लिया है जिसमें उसका पुराना सामान था, वो यूज भी नहीं करती। अच्छा मैं नानी जान के यहाँ जा रही हूँ, तुम अपना काम खत्म करके वहीं आ जाना। सेकंड में बाहर जाती हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही।
हेमल, 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 क्या हुआ? खाला के घर जाना है तुम्हें। यूं अचानक? मुझे कुछ काम है, बताओ तुम। अम्मी जाने ही नहीं देंगी। नहीं, अम्मी से मैं बात कर लूंगा, मुझे फाद के साथ मिलकर असाइनमेंट हल करनी है, एक घंटे में आ जाएंगे। ऐसे तो तुम्हारा दिल कर रहा होगा जाने का, है ना? अम्मी से पूछ लेते हैं फिर चलते हैं। चलो ठीक है, मैं तैयार होके आता हूँ। तैयार हो। जी हाँ, ये इंक तुमने गिराई है? मैं पूछ रही हूँ, ये इंक तुमने गिराई है? ओह माय गॉड, तुम्हारे नोट्स पे इंक गिर गई? हाय, सारे नोट्स खराब हो गए ना? तुमने कितनी मेहनत से बनाए होंगे, सारी मेहनत पानी फिर गया। You little poor girl, अब तो मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लो। नानी जान, आप भी ना, आपकी पर्सनैलिटी से लगता नहीं कि आप इतना मजाक कर सकते हैं। नानी जान ये देखें, वजिया ने जानबूझ के मेरे नोट्स पे इंक गिरा दी। वजिया का दिमाग खराब हो गया है क्या? किरत, लेकिन वजिया ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शांता भी, मुझे नहीं पता, लेकिन वजिया ने मेरे नोट्स पे इंक गिराई है। हद हो गई है, मुझे वजिया से ऐसी बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी। नानी जान, आपने इसका सामान स्टोर रूम में रखवाया ना, इसने उसी बात का बदला लिया है मुझसे। बस बहुत प्यार से समझा लिया, अब इस लड़की से सख्ती से बात करना होगी। ये क्या हरकत की है तुमने? हम्म, किस चीज का बदला लिया है तुमने इनसे? पापा, आप मेरा यकीन करें पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब किरत कमरे से बाहर गई थी तो ऑलरेडी इंक पॉट खुला हुआ था, तो हो सकता है गिर गई हो। नहीं मामू, मुझे अच्छी तरीके से याद है, इंक मैंने खुद बंद की थी और मेरे बाद रूम में सिर्फ वजीहा आई थी। ये भी तो हो सकता है वो इंक तुमने खुद गिराई हो और नाम तुम वजीहा का लगा रही हो। ये क्या कह रही हो जुबैदा? अम्मा जी, जो ये किरत बोल रही है वो सब सच है और जो वजीहा बोल रही है वो, अगर आप इन बच्चों में इसी तरह फर्क करेंगे तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। मामानी जान, किरत कभी झूठ नहीं बोलती। जी बेटा, सच तो तुम दोनों बहनें बोलती हो, हमारा तो पूरा खानदान ही झूठा है। अम्मी रहने दीजिए, बस करें अब आप, मुझे मालूम था कि मेरी बात को कोई यकीन नहीं करेगा। और मुझे भी यकीन था कि तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगी। तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं कि हाँ मैंने की है? जबरदस्ती है क्या? अगर तुमने ये नहीं किया तो कैसे हो गया ये? मुझे नहीं मालूम पापा ये सब कैसे हो गया, मैं किरत के नोट्स पे इंक क्यों गिराऊंगी? इनफैक्ट जब मैं कमरे में एंटर हुई थी तो ऑलरेडी किरत के नोट्स पे इंक गिरी हुई थी। पापा यकीन करें आप मेरा, प्लीज। सुल्तान, ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, किसी अकेली को इतना सताना, तुम देख रहे हो ना? ये क्या देखेंगे अम्मा जी, देख तो हम रहे हैं। इन बच्चियों को मैं प्यार से रखना चाह रही थी अपने घर में, शायद इन्हें ही हम पसंद नहीं है। नहीं मोमानी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस करो बेटा, चलो वजीहा, सामान पैक करो अपना। यही फसाद की जड़ है ना, कभी ये किसी को सोने नहीं देती, कभी ये किसी को अपने रूम में नहीं आने देती, कभी ये किसी के नोट पर अपनी इंक गिरा देती है। चलो तुम सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। तुम आज से तुम मुझे इस घर में नजर नहीं आओगी, निकलो यहाँ से। दिमाग तो ठीक है, कहाँ जाएगी वो इस वक्त और क्यों जाए? ये क्या कह रही हो जुबैदा? अम्मा जी मैं ठीक कह रही हूँ, वजीहा ही फसाद की जड़ है ना,
यही बच्चियों को सोने नहीं देती, आराम नहीं करने देती, अपना रूम नहीं देती। ये रूम क्या इस घर में भी नहीं रहेगी आज से। ये निकलो तुम वजीहा यहाँ से, निकलो तुम। अब सुकून आ गया सबको, न वजीहा होगी न इस घर में बेसुकूनी होगी। मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, मेरे घर की रौनक। तुम्हें पता है जब तुम पैदा हुई थी तो हमने कितनी खुशियां मनाई थी। अम्मा जी, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो किसी से लड़ती भी नहीं हूं। मैं क्यों गिरत के नोट्स खराब करूंगी, हर कोई मुझे गलत कहता है। अच्छा बस चुप जाओ, चल रोना बंद करो। मुझे यकीन है तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। अम्मा जी, मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा। मैंने जो कुछ भी सीखा आपसे ही सीखा। जो हुआ सो हुआ, खबरदार बहू अब मेरी बेटी को इस तरह नहीं डांटना। देखो कितनी सहम गई है वो। बस चुप हो जाओ। लेकिन अम्मा जी मैं क्या करती, मैंने इन बच्चियों में कभी फर्क नहीं किया। मैं तो हमेशा वजीहा को समझाती ही रहती हूँ। जाहिर है अपनी बच्ची को ही समझा सकती हूँ। चलो बेटा बस करो, बहुत रोना हो गया। वैसे मेरी इतनी बहादुर बच्ची है। बस करें पापा, आप सब लोग तो यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊं। बेटा जब तुम्हें इस घर से रुखसत करेंगे ना तो बड़ी धूमधाम से करेंगे, सारी दुनिया देखेगी। तुम कौन सा दूर जा रही हो, दो कदम पे तो है हमारा घर। अम्मी तुम शांजे की नानी को फोन करो और उनको कहो कि दुकान में अब्बा का भी पैसा लगा हुआ है। ये तो बहुत अच्छा सोचा तूने, मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया। आज ही बात करती हूँ उनकी नानी से। अम्मी कभी तो फायदे की बात सोच लिया करो, वैसे बड़ा दिमाग चलता है तुम्हारा। सुल्तान आप समझ नहीं रहे, माशाल्लाह से दोनों जवान बच्ची हैं, उनके अपने खर्चे भी हजारों हैं, और कल कलां को उनकी शादियां भी तो करनी है, कहाँ से करेंगे हम इतने खर्चे। अल्लाह सब कुछ कर देगा, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। खालिना ये क्या हो रहा है?